हाय राहुल, आई एम गुड, हाउ आर यू? सुपर्ब यार, थोड़ा पक गया हूँ अभी रूम में बैठे बैठे। टोटली अंडरस्टैंड। और अभी कोई बात नहीं, अचानक से इतनी भीड़ मिलने वाली है तो फिर वो चेंज हो जाएगा पूरा, है ना? I'm sure. कैसा लग रहा है राहुल? बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। नर्वसनेस का कारण कुछ खास नहीं, बिकॉज ये शो आप जानते ही है कैसा है, ठीक है, इस शो में कुछ भी हो सकता है। तो प्रिपेयर थोड़ी सी नर्वस, बाकी तो कुछ ऐसी बात नहीं, बाकी तो सब फैसला। तो क्या सोचा है, क्या कुछ धमाल करने वाले हैं आप? और आपको इतना अच्छा गाना वाना गाते हैं तो क्या कुछ क्रिएटिव होने वाला है वहाँ पे इस बार? ये मैं पहले से सोच के नहीं जा रहा हूँ। ओके, आई थिंक आपसे कहूंगा तो ये बात गलत हो जाएगी, बिकॉज मैं कुछ भी प्लान करके नहीं जा रहा हूँ। अंदर क्या होगा, कैसे होगा, वो हालात ही डिसाइड करते हैं। लोग एक्सपेक्ट करें कि बहुत गाने गाऊंगा, हाँ जब शायद मूड ठीक होगा तब गाने गाऊंगा, बट वैसे तो अगर मूड खराब होगा तो कोई गाना भी सवाल ही नहीं, सिर्फ गानियां दूंगा। नहीं अब मैं भी क्या बोलूँ, हम भी देखेंगे। चलो इस चीज को तो आपकी तो अभी फॉर्मेट तो आपको पता है, टास्क वगैरह कैसे होते हैं ये सब कुछ पता है आपको, तो कितना खुद को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर किया है आपने स्पेशली फॉर टास्क? देखिए मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ वैसे भी, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत ज्यादा कुछ ऐसा प्रिपेयर किया है खुद को। एंड फिजिकली वर्कआउट वर्कआउट करता हूँ अमूमन, मतलब ये नहीं कि बिग बॉस के लिए मैं और स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हाँ राइट सी बात है कि लॉकडाउन में सबने अपने अपने वजन बढ़ा लिए थे, उसके चलते अब थोड़ा सा जब पता चला कि यार बिग बॉस में जा रहे हैं, थोड़ा वेट वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो सब चल ही रहा है। ओके, तो कभी सोचा था कि जब आप सीजन में जाएंगे तो ये सीजन बिल्कुल ही न्यू नॉर्मल वाला होगा और थोड़ा डिफरेंट होगा और सेफ्टी सिक्योरिटी इन सब चीजों को लेके एज कम्पेयर टू अदर? कभी भी नहीं सोचा था ना? और ये कैसे हो गया ये मुझे खुद को नहीं समझ में। तो कितना सेफ्टी मेजर्स आप लेके जा रहे हो, या आपको टेंशन है इस चीज का जो कि अभी चल रहा है इतना पैंडेमिक एंड उस पे आपको किचन भी संभालना है सब कुछ? मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं इस बात का, बिकॉज कलर्स वालों ने एंडमॉल वालों ने बहुत अच्छे प्रिकॉशन लिए हैं, एंड आई डोंट थिंक और ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की बात है, एंड इसलिए मुझे नहीं लगता कि कुछ डरने की इसमें बात है। ओके, तो सलमान को लेकर आपकी क्या राय है, वो कैसे लगते हैं आपको, क्या कभी आपका उनसे मिलना हुआ है या पहली मीटिंग होने जा रही है क्या कुछ? नहीं, मैं उनको सोशली मिला हूँ। ओके ओके, मैं उनको पर्सनली ऐसे कभी नहीं उनके साथ बैठ कर टाइम स्पेंड किया मैंने। आई एम रियली एक्साइटेड टू बी ऑन द शो व्हिच ही होस्ट्स। आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर द काइंड ऑफ वर्क दैट ही इज डन ओवर द इयर्स। आई थिंक इट विल बी ग्रेट टू इंटरेक्ट विद हिम। या दैट्स ट्रू। तो अभी तक जो भी आपने देखा उसमें सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन थे राहुल आपके? मैंने अभी तक कोई सीजन फॉलो नहीं किया है, बट मैंने मैंने कभी भी नहीं देखा बिग बॉस। ओके, बट जब मैंने अभी कंफर्म किया था थोड़े दिनों पहले, मुझे तब मैंने थोड़ा बहुत देखा था टीवी पेपर, एंड उसमें मुझे सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज बड़े पसंद आए। ओके, तो अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि ये रियलिटी शो में लोग मोस्टली थोड़ा कतराते हैं जाने से, और अब आपकी बस कुछ ही दिन में एंट्री होने वाली है अंदर, तो बस कैसा कैसे कैसे लोगों का सिलेक्शन करेंगे, अपने दोस्त कैसे बनाएंगे राहुल, कुछ सोचा है आपने कैसे लोगों से आपकी ज्यादा कटने वाली है आगे? यार देखो, मैं यूजुअली बड़ा अच्छा आदमी हूँ, समझ में नहीं आती, ठीक है, आई थिंक जो लोग एक होंगे उनसे जाहिर सी बातें मेरी दूरियां होंगी, और जो कहीं ना कहीं दिल के दिमाग के थोड़ा चाहिए होंगे उनसे मेरी दोस्ती हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। ओके, अच्छा राहुल, मेरा ये जो इंटरव्यू इंटरेक्शन है ये मेरे यूट्यूब वाले भी सुनेंगे, बिकॉज मैं उस पर भी डालने वाली हूँ, तो राहुल अगर आपसे बात हो रही है और अगर कोई गाना नहीं सुना है ना, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मुझे जान से मार देंगे, तो प्लीज प्लीज अपनी आवाज में, अब कितना भी थके हो, एक प्यारा सा गाना सुना दीजिए। मैं रह गया कल्ला, जिस उंगली से बिछड़ा ये चांदी का छल्ला, तेनू की पता किन्ना मरदा रिया, किन्ना जिंदा रिया, याद तेरिया नहीं रही,
सारी रात के दरिया तो याद तेरी आने रही, मैं सारी रात के दरिया। सुपर सुपर, तो मजा आने वाला है राहुल, आप जल्दी से जाइए और हम आपको थोड़ा गाना वाना गाते हुए सामने से देखते हैं। और चलिए आप एंजॉय कीजिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड जस्ट टेक केयर राहुल, ध्यान रखिएगा आप अपना। और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए राहुल जी, आप बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बाय बाय।